राम राम जी। चलिए तो आज बना लेते हैं मथुरा की स्पेशल आलू की सब्जी, जो आलू का झोल होता है, तो आज वही बनाएंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। और ये दो तरीके से मैं दिखाऊंगी आपको। एक है ना कचौड़ी जैसे बनाते हैं, मट्ठी बना लो, मट्ठी के साथ में खा लो, चाहे फिर है ना पूड़ी के साथ में खा लो, या फिर बेड़ई के साथ खा लो, आपके जैसे भी इच्छा है आप वैसे ही खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है जार में, एक मिक्सी के में, ये हरा धनिया थोड़ा सा, और थोड़ी सी डाल दिया इसमें मैंने पालक की पत्तियाँ, धो के डाली है जी ये सारी चीज़ें मैंने। और इसमें डाल देंगे दो या तीन हरी मिर्चें, आपकी जितनी तीखा खाने की क्षमता है उतनी डाल लीजिए। और इसको पीस के हमने एक चटनी को साइड में रख देना है। और फिर इसी जार में मेरे को चटनी भी तैयार करनी है, जो कि आलू के झोल में डाल के खाते तो बहुत ही स्वाद लगती है। तो उसमें मैंने फिर वही थोड़ा सा धनिया, पालक, हरी मिर्ची और थोड़ी सी डाल दिया है इमली का पानी, चाहे तो इमली का पल्प हो तो वो भी डाल सकते हैं। और इसमें डाल देते हैं काला नमक। तो इस तरह से चटनी बनाकर खाएंगे तो बहुत स्वाद लगती है आलू की सब्ज़ी में। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाने की कोशिश करी है मैंने। तो सबसे पहले मैंने चटनियाँ पीस के रख ली है, मसाले वगैरह, और देखिए मैंने जब तक आलू भी उबल गए थे, तो इन आलू को ही फोड़ लेना है, इनको बारीक नहीं फोड़ना बिल्कुल, तो थोड़ा थोड़ा मोटा ही फोड़ना है। तो ये लीजिए मेरे मसाले तैयार हैं। तो ये मैंने जो सूखा मसाला बना के रखा है, तो इसकी वीडियो मेरे से डिलीट हो गई थी, तो मैं बता दूँगी इसको किस तरह से बनाया था जी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है, सरसों का तेल लिया है, तो इसमें पहले जीरा डाल दिया है, फिर डाल दिया है अदरक पीस के लिए है, मैंने सिलबट्टे पीस ली थी, और फिर जो मैंने हरा मसाला पीस के रखा था ये धनिया पालक का, तो ये डाल देते हैं। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, इसको थोड़ा सा चलाने के बाद में जैसे पक जाए तो इसमें डाल देते हैं हम लोग ये दो तेज पत्ते। और ये जो सूखा मसाला बनाया था, तो ये मैंने साबुत धनिया और आपकी सूखी लाल मिर्ची होती है साबुत, तो उनको थोड़ा सा सेक के और फिर इसको दरदरा सा पीस लिया था, तो ये डाला था जी मैंने। फिर उसके बाद में डाल देते हैं हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो ये बिगर लहसुन प्याज और टमाटर के बनाएंगे, क्योंकि मथुरा में ऐसी ही सब्जी खाई जाती है पूड़ी के साथ में, बेड़े के साथ में। और फिर देख लीजिए मैंने ये डाल दिया है हींग, हींग कुछ ज़्यादा ही डालनी है, क्योंकि इसका हींग का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है इस सब्जी में, बहुत ज़्यादा तेज होते हैं इसमें हींग का स्वाद। तो और लास्ट में डाल देते हैं हम लोग इसमें नमक, और नमक डालने के बाद में जो आलू मैंने फोड़ के रखे थे उसमें थोड़ा पानी डाल दिया था जी, और इसको सबको डाल देते हैं हम कढ़ाई के अंदर। अब इसको एक उबाल आने तक अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि हमारी ग्रेवी है ना हरी हरी सी दिखती है जो सब्जी, तो इस तरह की सब्जी बनाई जाती है मथुरा में, तो एक बार जरूर बना के देखिएगा। तो हमारा है ना देखिए उबाल आने के लिए है अभी, तो इसी टाइम पर मैंने डाल दिया थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी, और देखिए फिर कर देते हैं मिक्स। और फिर इसमें एक वो उबाल आ गया था, तो मैंने गैस को कम कर दिया था, तो उसी टाइम पे मैंने अमचूर डालना भूल गई थी, तो दो चम्मच मैंने भर के अमचूर डाला है, क्योंकि खटाई भी तो ज़रूरी है इसमें, तो हम टमाटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें वो डाला है आपका अमचूर। अब ये साबुत इलायची भी उसी क्या बोलते हैं आपको, साबुत मसाला पीसा था ना मैंने, तो उसी में डाली थी मैंने एक इलायची, वो बोलना भूल गई भाई मैं, ध्यान से उतर जाता है। तो लास्ट में डाल देते हैं थोड़ा धनिया पत्ती और दो तीन हरी मिर्ची काट के, और ये लीजिए हमारी आलू की सब्जी तैयार है मथुरा की स्पेशल। और एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये मैंने पूड़ी के साथ भी सर्व किया है इसे, और देखिए रेडीमेड जैसे मट्ठी होती है ना, तो वो भी लेके आई थी मैं, तो उसके साथ में भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वाद लगती है। इस तरीके से आप जैसे मर्जी खाइए, जैसे पूड़ी, बेड़ई और ये आलू की सब्जी है ना, इतनी स्वाद बनती है। और इसमें देखिए इस तरह से चटनी ऊपर से डाल के खाते हैं, तो क्या ही कहने इस सब्जी के। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा मेरे कहने पे। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और कॉमेंट तो ज़रूर करा करें कि मेरी वीडियो आपको कैसे अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। आप चाहे तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है जी। तो मैं देखिए मट्ठी में डाल के भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आलू का झोल डालिए मट्ठी के ऊपर तोड़ के, और फिर इसमें है ना आलू के झोल डालने के बाद में फिर इसको है ना थोड़ी सी प्याज डाल दीजिए। अगर आपको प्याज अच्छी नहीं लगती है तो प्याज आप हटा भी सकते हैं, आप बिगर प्याज के भी खा सकते हैं। और फिर ऊपर से डाल देते हैं जो मैंने हरी चटनी बना के रखी थी इमली वाली, ये तो इसके इससे डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। देखिए इस तरह से बनाइए, आप भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए।